ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं जितना भी बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो जो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस आप लोग इसका वीडियो का मतलब कि इस फोटो एडिटिंग का गाइस आप कलर रिटच वाला पार्ट देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि गाइस जो हम पिक्सआर्ट में एडिट करते हैं गाइस उससे हम अपनी फोटो को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उसमें रिटचिंग वगैरह नहीं करेंगे तो असली रिजल्ट जो है हमारी फोटो का उसमें पता नहीं चलेगा। तो गाइस आप लोग रिटच वाला पार्ट भी जरूर देखना, क्योंकि गाइस कई बार क्या होता है कि काफी व्यूअर क्या करते हैं कि मतलब कि पीएनजी वगैरह देख लेते हैं कैसे कैसे लगाना है, एंड उसके बाद वो जाके अपनी फोटो एडिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस ये गलती आप मत करना, क्योंकि गाइस इससे क्या है कि अगर रिटचिंग अगर गाइस ढंग से नहीं होगी तो गाइस फोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आप लोग ये वाला रिटचिंग वाला पार्ट जरूर देखना। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आपसे कुछ सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। देन गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को। एंड गाइस मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, एंड जिसको इरेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख के आप अपने फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर लेना। तो अब गाइस आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको मॉडल को अपने कुछ स्टेप से जो आपको ये जो रोड पे जो ये ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है आपको गाइस कुछ स्टेप से इसके ऊपर आपको अपने मॉडल को रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको गाइस जो साइज है ना वो आपको एरोप्लेन और ये जो नीचे आपको जो जमीन दिख रही है गाइस रोड आपको उसके हिसाब से रखना है, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए एरोप्लेन और आपके सर के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जाना ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको ब्लैक कलर का पीएनजी। एंड उसके बाद आपको साइज इंक्रीज कर देना है, इसे कर देना है मूव बैक, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जाना है सीरीज टूल में, एंड इसको कर देना इन्वर्ट, एंड ब्रश लेना है, एंड इसका साइज थोड़ा छोटा करना है, एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है, एंड गाइस यहाँ पे आपको शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है कुछ इस टाइप से। तो गाइस शेडो क्रिएट करने के बाद आपको फिर इसके बाद क्या करना है, मतलब कि गाइस मैंने तो आपको इस तरीका बताया शेडो के लिए, अगर आपको कोई और तरीका भी पता हो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। शेडो ही बनानी है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं, तो आप कैसे भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस कुछ इस टाइप से शेडो क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन करना है। एंड गाइस पूरा भी डन नहीं करना है आपको, यहाँ पे ओपेसिटी थोड़ी कम करनी है, ठीक है। ओपेसिटी कम करने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे फिर उसके बाद गाइस आपको जाना है ऐसे गाइस इफेक्ट वाले ऑप्शन में अपने मॉडल को लेके। देन गाइस आपको जाना है ऐसे कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको गाइस यहाँ पे मिलेगा एक ब्राइटनेस वाला ऑप्शन, आपको सिंपली इसका ब्राइटनेस कम करना है गाइस कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद आपको जाना है इरेजर टूल में आपको ब्राइटनेस के अंदर ही, एंड उसके बाद आपको इन्वर्ट करके आपको ब्रश लेना है। एंड उसके बाद आपको नीचे की तरफ में कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करना है सिर्फ आपके शूज़ के पास, ठीक है शूज़ के पास करना है। एंड उसके बाद कर देना है डन। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे कर देना है आपको डन। एंड उसके बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐसे गाइस अगेन ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको वीकनेट का पीएनजी, ठीक है। तो इस पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको ऐसे कुछ स्टेप से फुल स्क्रीन करके रख देना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे इसके बाद इतना कर देने के बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देना है। अब गाइस यहाँ पे आपको एक पीएनजी का ऐड करना है, ठीक है लाइट पीएनजी, तो हम इसको सिंपली ऐड करते हैं। ये गाइस रेड कलर की है, आपको उसको पहले तो ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, स्क्रीन करना है। एंड उसके बाद आपको एडजस्ट में जाकर आपको यहाँ पे यू वाले ऑप्शन में जाना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को येलो कलर इसको रखना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस सिंपली डन करना है। एंड उसके बाद आपको गाइस कुछ स्टेप्स आपको अपने शोल्डर के पीछे इस तरीके से आपको जो ऑरेंज कलर का स्काई दिख रहा है उसके यहाँ पे नीचे की साइड में जो येलो वाला पार्ट है उसके वहाँ पे रख देना है। एंड इसका डुप्लीकेट करके आपको उसको गाइस को दूसरे वाले साइड में भी रख देना है, ठीक है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे पहले हम इसकी ओपोजिट थोड़ी कम कर लेते हैं, इसको फटाफट से ऐड कर लेते हैं हमें जिस तरीके से चाहिए ये। सो गाइस हमारा इतना काम हो चुका है, अब क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करेंगे हम एक पार्टिकल का पीएनजी। हम सिंपली इसको पार्टिकल पीएनजी को यहाँ पे स्क्रीन कर देंगे, इसका ब्लेंडिंग मोड है इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ से जाएंगे इरेजर टूल में, हम इरेजर लेंगे। एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा इसका फेस के ऊपर जो एरिया आ रहा है उसको सिंपली इरेज कर देना है। एंड उसके बाद डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कर देना है डन। फिर उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है, इसको लेकर चलना है ऐसे लाइट रूम मैप में। सो उसको लाइट रूम मैप में ले जाने के बाद गाइस आपको जाना है यहाँ से सिंपली लाइट वाला ऑप्शन में, आपको गाइस इसका थोड़ा सा जो कॉन्ट्रास्ट है आपको उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। एंड जो गाइस यहाँ पे हाईलाइट है गाइस इसको थोड़ा सा कम कर देना है, एंड जो शेडो है इसको थोड़ा बढ़ा देना है, एंड जो गाइस व्हाइट है इसको थोड़ा कम, एंड जो ब्लैक है इसको भी थोड़ा कम, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे कम कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो उसके बाद आपको जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको उसका जो गाइस वाइब्रेशन है आपको उसको बढ़ा देना है, एंड थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना है। एंड उसके बाद जाना मिक्स में, आपको ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड जिसका ल्यूमिनस है उसको बढ़ा देना है। फिर इतना कर देने के बाद आपको जाना येलो कलर में, आपको उसका ह्यू माइनस कर देना है, एंड जो सैचुरेशन है इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ब्लू कलर में जाना आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ह्यू बढ़ा देना है, सैचुरेशन भी बढ़ा देना है।
फिर इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको जाना है से नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी को इंक्रीज कर देना है एंड फोटो में जो हल्का सा विग्नेट डाल देना है। फिर उसके बाद इतना कर देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा आप ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में आपको मिलेगी फोटो की शार्पनेस, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइस मिलेगा आपको नोट डायरेक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड मिलेगा आपको कलर नोट डायरेक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलता हूं सबसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।